गॉड तू आ गई। पूरी पूजा प्रतीक्षा ने रवि के साथ बैठकर कर ली उसकी पत्नी बनकर। अरे तेरा हक ले लिया उसने। इवेट मॉम, अगर हक देखने जाऊंगी ना तो जान से जाऊंगी मैं। फिर आपको पता है ना प्रतीक्षा को सब कुछ पता चल गया। तू बार बार एक ही चीज क्यों बोले जा रही है? वो देखो किंजल। अरे क्या देखना है किंजल को? जब से ये और इसकी बहन इस घर में आए हैं तब से परेशान कर रखा है। नया क्या है इसमें? अब भी पता चल जाएगा। साइलेंट कर लो फोन अपना। अब आपको समझ आ गया है? जिस नंबर से मुझे वाइपर ने मैसेज किया था ना उसी नंबर पे कॉल किया है मैंने अभी। और किसका फोन बजा? किंजल का। बड़ी हर दोनों शातिर लड़कियां ना, मेरा फोन ले लिया उन्होंने और खुद का नंबर सेव कर दिया एज वाइपर। इसीलिए मेरे थैंक्स सुन के ज्यादा उड़ने मत लग जाना फिर से हैं। ठीक है, स्टे ऑन द ग्राउंड, स्टे ऑन द ग्राउंड। आप क्या कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो जो आपके मुंह से थोड़ी सी तारीफ सुन के मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगी? और आप कोई अकेले नहीं हो जो मेरी तारीफ कर रहे हो, बाहर सबने मेरी तारीफ की है। अच्छा, तो मतलब मेरी तारीफ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। ऐसे स्माइल क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना फर्क नहीं पड़ता। फिर से स्माइल कर रहे हो? मैंने कहा ना फर्क नहीं पड़ता। अजीब सी बात है ना। क्या तुम्हारे मुंह से ये निकल रहा है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? हाँ। लेकिन मेरे कानों तक पहुंचते पहुंचते वो ऐसे लगने लगा है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। I mean, I can hear that. तो पता है क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता हूँ और तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। देखो सच बात तो यह है कि आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती। जुबान कभी कभी धोखा दी जाती है, कान भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी ना में भी तुम्हारी हाँ है। बीजी, बीजी, आप ना ये मत खाइए। मानवी तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या कर रही है ये? सामने से खाना हटा रही है। अरे बुजुर्गों की इज्जत करना भी भूल गए तुम लोग? इतना अच्छा खाना बना है, ये गुजराती खाने में पंजाब का फ्लेवर है। अरे बीजी आपने वैसे भी इतने सारे स्नैक्स खा लिए ना, अब ज्यादा तला हुआ खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर आप ही बोलेंगी मेरा बीपी बढ़ गया, मेरे पेट खराब हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए आप ना ये खाना मत ही खाइए तो अच्छा है बीजी, प्लीज हा? मत खाइए। बीजी की तो उम्र हो गई है, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा हुआ मैंने इन्हें खाना खाने से रोक लिया। लेकिन अमर भाई साहब उनकी तो हेल्थ भी आजकल ठीक नहीं रहती है, उन्हें भी खाना खाने से रोकती हूँ। मॉम रिलैक्स ना, बोला ना किसी को कुछ नहीं होगा। मैं तेरी माँ हूँ। अरे तो क्या कर लूँ? हाँ माँ है तो क्या करूँ? क्या किया आपने मेरे लिए? देखिए मॉम, ये आपका जो मदर इंडिया वाला जो गाना है ना, मुझे नहीं सुनना है तो प्लीज ये बंद कर दीजिए। सही कह रही है तू, जो कुछ भी आज तू है वो मेरी वजह से है, मेरी गलती है। हाँ मैंने ही तुझे ऐसा बनाया है। लेकिन काव्या मैंने तुझे कभी किसी की जान लेना तो नहीं सिखाया। अरे लोग तो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते और तूने तूने अपनी माँ की जान दांव पर लगा दी। अच्छा चल छोड़, मेरी छोड़, ये बाकी सब घर वाले तूने इन सबकी जान दांव पे लगा दी है। काव्या तूने क्या कहा है कि ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा मॉम? लेकिन बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है जहर का काव्या। अगर इनमें से किसी को भी कुछ भी होगा काव्या, किसी को कुछ नहीं होगा। कितनी बार कहूं किसी को कुछ नहीं होगा, थोड़ा परेशान हो जाएंगे, थोड़ी तकलीफ होगी बस, और कुछ नहीं होगा। और हाँ मॉम
पता है अगर सब ठीक हो जाएगा ना तो सबसे पहले आप ही आएंगे मेरे पास और मुझे हक करेंगी, प्रेस करेंगी कि वाह काव्या क्या प्लान एग्जीक्यूट किया है, सबके सामने उस लड़की पे इल्जाम लगा के उसे बाहर फेंक दिया है इस घर से। जब से प्रतीक्षा ने इस घर में कदम रखा है, जब से इसका गृह प्रवेश हुआ है ना, तब से इस घर में सिर्फ और सिर्फ मनुष्यता आई है। इसीलिए आज मैं इसका इस घर से गृह विदान करती हूं। ताकि इसके साथ साथ ना हमारे घर से सारी मनुष्यता भी चली जाए। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आएंगी प्रतीक्षा। अब देख क्या रही हो, हां जाओ। बार फेंक दिया उसको भी तू भूल रही है, तेरे मुंह पे ऐसे दरवाजा बंद किया उसको भी तू भूल रही है। चाची वो सब काव्या ने किया, घर वालों ने थोड़ी ना किया। समझी गई हूं अबे, तू ना ऐसे नहीं समझने वाली हो, तुझे बाद में अच्छे से समझाऊंगी। पहले जाके तेरे चाचू को ले आऊं और तेरा बेल वेल करवा के तुझे इधर से बाहर निकालूं, फिर तुझे बिठा के समझाऊंगी कि दुनियादारी क्या होती है। हां मैं अभी आई। गुस्सा मत की अंबे मां, प्लीज सबकी रक्षा करना, सबको ठीक कर देना प्लीज। इतना ट्रस्ट, इतना यकीन है, इतना विश्वास है तुम्हें उस पे? हाँ है काव्या। और सबसे कमाल की बात पता क्या है, उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि उस पर विश्वास करो। मैं ये जो भी मैं महसूस करता हूँ ना, मैं वो खुद अपने दिल से करता हूँ। मुझसे ज्यादा तुम उस पे ट्रस्ट करते हो काव्या। तुम जानती भी हो कि कितना कुछ करती है वो मेरे लिए, कितनी फिक्र है उसे मेरी, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है वो हर बार, हमारी फैमिली की हर मुसीबत में साथ देती है, सबके लिए सब कुछ करती है वो। अरे समझ ली रवि, सब कुछ जबरदस्ती किया है उसने, जबरदस्ती आई थी हमारे घर पे, वो एनजीओ लेडीज, वो पुलिस, वो सब लोगों को क्यों लाई थी वो? हाँ हमें बेइज्जत करना चाहती थी, पूरे घर को बदनाम कर दिया उसने। अच्छा उसकी वजह क्या थी पता तुम्हें? जानती हो ना